हेलो गाइस, बात करने वाले हैं सुहरागिनी शो के बारे में। सुहरागिनी सीजन 2 को लेकर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है। बहुत ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं कि शो का सीजन 2 बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, सीजन फर्स्ट जब ऑन एयर किया गया था तो कमाल का रिस्पॉन्स ऑडियंस का मिला था। यहाँ पर आपको तेजस्वी प्रकाश रागिनी के कैरेक्टर में और सुहरा का कैरेक्टर यहाँ पर हेली शॉप प्ले करती हुई देखने को मिली थी। दोनों की जो बॉन्डिंग रही है बहनों के कैरेक्टर में कमाल की रही है। बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है शो। इन दोनों बहनों के ऊपर ही पूरी स्टोरी बेस्ड थी और इनके अपोजिट एक्टर जो नजर आए थे वरुण कपूर संस्कार का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, लक्ष्य का कैरेक्टर नमिश तनेजा प्ले करते हुए नजर आए थे। इन सभी के लिए ये शो करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। अगर बात करें तो इससे पहले भी ये एक्टर्स काम करते हुए नजर आए थे, लेकिन वो पहचान नहीं मिली थी जिस पहचान की तलाश थे इन लोगों को, और इस शो से लोगों को घर घर में पहचान मिली है। सीज़न 2 की डिमांड चल रही है। देखना ये है, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं सीज़न 2 क्या जल्द से जल्द आने ही वाला है। तो आपको बता दें, कलर्स टीवी के मेकर्स तरह से बातें सामने आई थी, खबरें निकल कर सामने आई थी कि कलर्स टीवी के मेकर्स जो हैं वो इस कुछ पॉपुलर शोज़ के सीज़न 2 लेकर आना चाहते हैं, जिनमें से उत्तरण शो के सीज़न 2 को भी लेकर चर्चा चल रही थी। और तभी सुहरागिनी शो को लेकर भी लोग एक्साइटेड हो रहे थे कि बहनों के कैरेक्टर में, तो यहाँ पर भी ये शो वैसे ही रहा है तो शायद इस शो का सीज़न 2 भी आए। तो एक बार फिर से बातें आ रही हैं सामने, तो क्या सच में शो का सीज़न 2 आने वाला है? क्या एक बार फिर से तेजस्वी प्रकाश और हेली शाही देखने को मिलेंगी? तो इस पर आपको बता दें, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको नई स्टारकास्ट देखने को मिलेगी। हेली और तेजस्वी की बात करें तो ये दोनों ही उस टाइम पर अपने करियर के स्टार्टिंग में थी और आज के टाइम पर ये दोनों ही बहुत ही अलग अंदाज में नज़र आ रही हैं। हेली शाह एंट्री करना चाहती हैं बॉलीवुड में, यही वजह है कि टीवी नहीं कर रही हैं वो। और तेजस्वी की बात करें तो वो बोल्ड अंदाज में नज़र आ चुकी हैं नागिन शो के अंदर। अब इस तरीके का बहनों का कैरेक्टर या फिर बहू का कैरेक्टर वो प्ले करना नहीं चाहेंगी। यही वजह है कि इन दोनों को ना कास्ट करके रश्मि शर्मा नई एक्ट्रेसेस की तलाश में हैं। तो देखते हैं कि आगे कौन सी एक्ट्रेस है जो कि इस शो के लिए फाइनल होगी। कमेंट करके अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।